हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूट्यूब यूज़ करते हैं और आपने भी यूट्यूब का नया वर्ज़न अपडेट कर दिया है, अपने यूट्यूब को उसका नया वर्ज़न डाउनलोड कर लिया है, तो आपको भी ऑटो प्ले की प्रॉब्लम अपने यूट्यूब में देखने को मिल रही होगी। मतलब आप जब भी यूट्यूब ओपन करते हैं तो उसके होम स्क्रीन पर जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं वो ऑटो प्ले हो रही होंगी। जैसे जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो वीडियो ऑटो प्ले होती जा रही है, मतलब अपने आप चलने लगती हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, आज के इस वीडियो में मैं यही सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी YouTube वीडियोस के ये ऑटो प्ले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन ओपन कर रखी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले यूट्यूब में मैं जाके दिखा देता हूँ कि कैसे ऑटो प्ले हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑटो प्ले चलने लग गई। अब इस पे आए तो ये भी ऑटो प्ले होने लग गई। ये देखिए, ऑटो प्ले होने लग गई। तो ऐसे ही हम जिस पे भी स्क्रॉल करेंगे नीचे, वो सारी ऑटो प्ले हो रही हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए आपको ये ऊपर अपना आइकन दिख रहा है प्रोफाइल वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। उसके बाद आपको ये सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो सेटिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं ये ऑटो प्ले का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक ऑप्शन दे रखा है ऑटो प्ले नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो इसमें अगर आपने ओल्ड वर्जन है आपका तो यहाँ पे आपको एक और नीचे ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसे ऑफ कर देना है। लेकिन यहाँ पर न्यू वर्ज़न में ये दिखाई नहीं देता, तो अब हम इसे कैसे ऑफ़ करें वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो इसमें अभी हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको ये सबसे ऊपर जनरल का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें आपको ये फोर्थ नंबर पे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, म्यूटेड प्लेबैक इन फीड्स, मतलब जो प्लेबैक फीड्स में ऑप्शन में चल रहे हैं वो म्यूट हो जाएंगे जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन पे है, इसलिए वो ऑटो प्ले हो रहा है। वाईफाई ओनली है तो वाईफाई, जब आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होगा तब वो चलने लग जाएगा, और ऑफ़ कर देंगे तो वो ऑफ़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ऑफ़ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये ऑफ़ हो गया, दोबारा चेक कर लिया हमने। उसके बाद अब हम बैक आ जाएंगे। ठीक है, बैक पे क्लिक किया और उसके बाद और बैक पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑटो प्ले नहीं हो रही, ना ही ये प्ले हो रहा है अब। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम फिक्स हो गई है इसकी, अभी ऑटो प्ले नहीं हो रहा। तो आपको भी वो सेटिंग अपने फ़ोन में कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।